लड़ने में, वो सब उनको वसूलने हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी उनके केस है उनको हमें फ्री में लड़ना पड़ेगा। जी सर। शाबाश, ये लो अपने पैसे। जी बेटा, तुम्हें देखकर ना मुझे एक शेर याद आ गया। वैसे तो हर फूल पे लिखा होता है इसे तोड़ना नहीं, मगर जब दिल मचलता है तो कहता है इसे छोड़ना नहीं। राज की जो भी बात हो इशारों में बता भी देना, और जब उनसे हाथ मिलाओ तो थोड़ा दबा भी देना। अरे बाबा सर, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। अबे गुड्डू, पापा कसम ही तो अंग्रेजी में बात कर रहा है यार। हाँ भैया, पढ़ा लिखा लगता है। अबे देंग कंटाप, लापतागंज में हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। अबे थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुकंदी भैया बोल लेते हैं बस। आओ जरा। एक्सक्यूज मी, हाय हाउ यू डू, आई एम विजय पांडे, व्हाट्स गुड नेम? आई एम विनोद पांडे एंड आई एम फाइन। अबे ये भी पांडे? सर जी आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। हाँ यार बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट? बड़े भाई ग्रेजुएट हो के आप मजदूरी कर रहे हैं? हाँ तो क्या करें, इस देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की कमी है क्या? उनमें से एक हम भी हैं। इतना पढ़ लिख कर मजदूरी करने में आपको शर्म महसूस नहीं होती है? अरे काम में कैसी शर्म, अरे यार मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। और फिर अपना घर चलाने के लिए, अपनों का पेट पालने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। ओके यार, आई एम लिविंग नाउ, आई हैव सम वर्क टू डू, ऑल द बेस्ट, बाय। लिसन, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम इन दिस ब्लैक अटायर, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। सीखो, पापा कसम पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहा है, और तुम हो, तुम साले दिखते मजदूर हो लेकिन फिर भी मजदूरी नहीं कर रहे हो। अरे हम क्या सीखे, आप सीखिए, 1000 रुपए आपको कमाने हैं, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है फिर भी मजदूरी कर रहा है, और एक आप हैं। अबे कितना रोएगा, कल से रोए जा रहा है, रोता ही जा रहा है। तो क्या करे भैया, देखा नहीं आपने कैसे सुरीली उस पिंडी पांडे के सीने से लगी हुई थी? उसी सीने में गोली दागेंगे छोटे, उसी सीने में। रहने दीजिए भैया, आप सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। तो क्या करते, देखा नहीं था वहां पुलिस आ गई थी, और एन मौके पे उस ससुरा हराम खोर दरोगा भी पलटी मार गया। और अगर ऐसे में हम कुछ करते तो आज दोनों भाई जेल में चक्की पीस रहे होते। तो भैया कहा सुरीली की शादी उस बीजी पांडे से हो जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोटे। सुरीली की शादी तो अब अगर होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगी, और तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मालिक, मालिक बोल, क्या खबर लाए? खबर ये है कि हम सुरीली की शादी विजय पांडे से करवाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, विजय पांडे आज की तारीख से ठीक 7वें दिन तक अगर तुम 1000 रुपए अपनी मेहनत से कमा के लाओ और हमारी दीदी के हाथ में रख दो तो हम मानेंगे कि तुम अपना परिवार चला सकते हो। भैया जब भैया, भैया ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? जिसने कभी सब्जी का थैला नहीं उठाया वो आज 50-50 किलो की बोरी उठा रहा है। बस भैया बस। अबे गुड्डू, पापा कसम ज्यादा ठंडी करने की जरूरत नहीं ना, देंग कंटा। अबे बात समझने की कोशिश क्या नहीं करते गुड्डू,
एक हफ्ते के अंदर अगर 1,000 रुपए कमा के हमने नहीं दिया तो सुरीली का हाथ किस मुंह से हम मौसी से मांगेंगे बे? भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी हालत देखी है, शक्ल पे 12 बज रहे हैं। सच सच बताइए भैया, आप खाना पीना सही ढंग से नहीं खा रहे हैं ना? पापा कसम गुड्डू, जिसको लव की भूख और इश्क की प्यास होती है ना, उसको खाने पीने का होश नहीं रहता। भैया वो सब हम नहीं जानते हैं, आप अभी चलिए हलवाई की दुकान में और दूध पीजिए, चलिए। अबे दूध डीपली घुस के तुमको भी पिलाएंगे और खुद भी पिएंगे, लेकिन उससे पहले इस बोरे को उठा के उधर रखते हैं। अरे भैया चलिए पहले दूध पीजिए। अबे मदद कराओ, मदद कराओ, उठाओ उठाओ, एक सेकंड उठाओ उठाओ, उठाने पे आराम से आराम से, घूम जा पीछे गुड्डो, पीछे घूम जा। भैया पापा के समय भैया, चलो उठो और दूध पी के जाओ। बड़ा भाई 2 गिलास गरम गरम दूध निकालना। पहले पैसे तो निकालो। अबे पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? पैसे तो नहीं भागे जा रहे भैया, लेकिन कहीं तुम भाग गए तो। अबे वो हलवाई भैया को ऐसा वैसा मत समझना, लापतागंज के हलवाई सुत्ती लाल के यहाँ पूरे 2,500 का उधार है इनका। वो भले ही आज तक ना चुकाए हो, लेकिन भैया कभी भागे नहीं। क्यों भैया? अच्छा तब तो भैया तुम्हारा इतिहास सुनने के बाद पहले पैसा दो फिर माल लो। अबे बताओ यार दूध के कितने पैसे हैं? 20 रुपया। 20 रुपया? गुड्डू यार हम ये सोच रहे हैं कि दूध तुम पी लो हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि काम बहुत किया ना यार, थक से गए, इसलिए चाय पियेंगे थोड़ी ताजगी आ जाएगी। नहीं नहीं भैया आप ज्यादा थके हैं, दूध आप पीजिए चाय हम पियेंगे। अब यार एक काम करते हैं, ना दूध तुम पियो ना दूध हम पीते हैं, दूध वाली गरम गरम चाय ऑर्डर करते हैं, डीपली घुस के दोनों मिलके पीते हैं, ठीक है? हाँ भैया ये अच्छा रहेगा, एक चुस्की आप मारेंगे एक हम, और पापा कसम मिट जाएंगे सारे गम। बड़ा भाई जल्दी जल्दी एक कप दूध वाली चाय दो। कितने हैं चाय के पैसे? 5 रुपया भैया। ये लो। अबे यार गुड्डू पापा कसम हम तो ये सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी हो सके 1,000 रुपए कमा के सुरीली के पास चले जाएं। ये लो पहले सिप तुम मारो। नहीं भैया आप पहले। अबे पहले तुम। जी भैया। अबे रघु यार तुम काम काहे नहीं आए? अरे वो काहे ना कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। अबे यार गुड्डू पापा कसम वो दिन कब आएगा यार जब हम भी कह सके। गिनती तो पिताजी गिनते थे, वो भी उल्टी, हम गिनती नहीं गिन रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं शर्त के मुताबिक बिजी पांडे को आज तुम्हारे हाथ में कमा के 1,000 रुपए रखना है, अगर उसे शादी का लड्डू चखना है। सही कह रहा है। सुरीली सुबह हो गई है, दिन निकल आया है, लेकिन बिजी पांडे का कहीं अता पता नहीं है। अरे बहुत देखे हमने ऐसे आने वाले, ये सब होते हैं बातों के शेर जो हो जाते हैं ढेर। वैसे बातों के शेर तो पिताजी थे। दीदी एक बात बताएं, बस किसी तरीके से आज का दिन बीत जाए, फिर तो हम अपनी मर्जी से सुरीली की शादी कहीं भी करेंगे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, तन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, तन ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट दूर करे। जी ओ जी का है गले का गलिहारा काहे बना रहे हो? हाँ जब देखो लबलबा रहते हो, चैन से भी पूजा नहीं करने देते। हाँ
अगर भगवान जी नाराज हो गए ना, तुम्हारी साइकिल पंक्चर हो जाएगी। अरे यहाँ भूख से खुद पंक्चर हो ही जा रहे हैं, तुमको साइकिल की पड़ी है? का हुआ का, इतने काहे झटक रहे हो? झटके नहीं तो का मटके। हाय नैया, आज तक हमने तुमका मटकते हुए नहीं देखा, जरा दिखा ना कैसे मटकते हो। तुमसे शादी करके ना कसम से मेरी जिंदगी झटक गई है, जैसे हमारी लॉटरी लग गई है। सुबह 4 बजे चीख चीख के पूजा कर रही हो, ना खुद सोई हो, ना हमको सोने दिया, और ना भगवान जी को सोने दे रही हो। सुबह से ना चैन, ना चाय, ना नाश्ता। परमेश्वर का इतना ख्याल है, लेकिन पति परमेश्वर का कोनो ख्याल नहीं है। हाय दैया, एक दिन हमने थोड़ी ज्यादा पूजा का कर ली, तुम तो लबलबाने लगे। अरे याद नहीं है का, आज सर का 7वां दिन है, बीजी पैसे लेके आने वाला है और मौसी के हाथ में थमाने वाला है। ये तो हम कसम से भूल ही गए, लेकिन इस बात से तुम्हारी पूजा का क्या संबंध है? संबंध है ना, हम बीजी के लिए तो भोर के 4 बजे से पूजा कर रहे हैं और बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजी पैसे ले आए और मौसी के हाथ में थमा दे और बीजी और सुरीली दोनों की शादी हो जाए, सबका टेंशन खत्म। तुम हो के लबलबाए रहते हो, हाँ तो बैठ जाओ चैन से, बनाते नाश्ता हम। हे भगवान, बीजी को हर मुसीबत से बचाना, हाँ? और हे भगवान, हमको इस मुसीबत से बचाना। अरे वो हमारी कचौड़ी, मत करो इतनी चिंता लंबी चौड़ी। अरे वो हमरे पेठा, चिंता के मारे हमरा दिल जा रहा है बैठा, कि अब का होगा, क्यों ललन जी? अरे आप कुछ कहेंगे नहीं का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, कहिए ललन जी। भाई देखो, चिंता हमें भी इतनी हो रही है कि आज हम PWD तक नहीं गए कि बीजी पांडे आज पैसे लेके आ पाएगा कि नहीं। बेचारे ने मेहनत तो बहुत की है। हाँ, और हमको तो लगता है कि बीजी पांडे जरूर पैसा कमा के आएगा और मौसी के हाथ में रखेगा और अपना शर्त पूरा करके सुरीली से शादी करेगा। हाँ, मिर्चा भाभी ठीक कहती हेंगी, ऐसा ही होगा, क्योंकि जो प्यार करते हेंगे उनका साथ भगवान भी देते हेंगे, और उनकी चिंता में जो बैठे होते हेंगे उन्हें सुत्तीलाल उधार में चाय भी पिलाते हेंगे। क्यों सुत्तीलाल? हाँ, वो तो पी ही रहे हो। हाँ हाँ, आप पियो पियो। सेठ जी, सारा काम हो गया। ये लो 1,000 नहीं बल्कि पूरे 1,010 रुपए। तुमने काम बहुत अच्छा किया, इसके लिए 10 रुपए हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच सेठ जी। लेकिन एक बात बताओ, वो कौन सी भाग्यवान लड़की है जिसके प्रेम में तुमने इतनी दिन रात मेहनत? पापा कसम सेठ जी, बहुत जल्दी हम आपको अपनी शादी कार्ड खुद देने आएंगे, तब आप खुद ही देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं, ओके? सुनो, तुम इतनी मेहनत करके बहुत थक गए हो गए, वो जो हमने ऊपर से 10 रुपए दिए हैं उसके दूध दूध पी लेना। पापा कसम सेठ जी, अब इस 10 रुपए से दूध पियेंगे नहीं बल्कि पिलाएंगे। चलते हैं, बाय। पापा कसम भोले भंडारी, सुरीली ने की है बहुत सेवा तुम्हारी, आज है सावन का आखिरी दिन, इसीलिए हम आपके ऊपर दूध चढ़ा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।